तो इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर लिया है और हम सीखने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल, अब पिवट टेबल की यूज करने से पहले एक चीज धनी है कि आप जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट क्या है। अगर रिपोर्ट की डेफिनेशन की बात करें, जो किताबी डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन की बात करें तो क्या देंगे आप? मेरे हिसाब से इसका डेफिनेशन होता है समरी ऑफ द डेटा। एक सटीक सिंपल वर्ड में हम इसको कहते हैं समरी ऑफ द डेटा, कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम डेटा को समरी करते हैं। आप रिपोर्ट चाहे जो भी यूज करें उसका नेम जो उसको डीएनए कह सकते हैं समरी होता है, राइट? ओके, तो पिवट टेबल का यूज भी होता है समराइज द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा, ठीक है? तो इसका स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहला आता है समराइज द डेटा, डेटा को समरी निकालना। समरी किस तरह का? अब उससे पहले आपको इस बात के बारे में जानना होगा कि जो आप रिपोर्ट्स बनाते हैं उस रिपोर्ट्स का बेनिफिट क्या है। कि अगर किसी को आप मेल करते हो, किसी पर्सन है या किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी है या भी एनीबॉडी को आप इंफॉर्मेशन भेजते हो, रिपोर्ट एक इंफॉर्मेशन ही होती है, इंफॉर्मेशन आप भेजते हो तो उस इंफॉर्मेशन से क्या बेनिफिट लेता है, ये बात को जानना जरूरी है। अगर इस बात को आप जान लोगे तो रिपोर्ट में आप अपने तरफ से एफर्ट लगाओ। क्योंकि हम भी जब शुरुआत में थे, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे वर्किंग पर्सन हैं जिनको रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, किस डेटा बनानी है समझा दिया गया है, उसी को नकल करते हुए आगे निकल जाते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि रिपोर्ट अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ, अपने बॉस को भेज रहा हूँ, तो बॉस इस रिपोर्ट का क्या करेगा और उससे हमारे डिपार्टमेंट को या फिर हमारे कंपनीज को क्या बेनिफिट है। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। अगर कोई आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा है तो पहले आप उस रिपोर्ट का यूज बेनिफिट्स के बारे में जानें, फिर लगाएं, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने एक डेटा है, डेटा है जिसमें एक सैलरी का डेटा है, एक सैलरी, एक महीने की सैलरी है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डेट पर हायर हुआ, कितनी सैलरी हुई, कितनी बोनस, ओवरटाइम कितना मिला, किस डिपार्टमेंट में है, किस कितने छुट्टियां मारी है, क्या परफॉर्मेंस है और किस सिटी में उसकी पोस्टिंग है, ये डेटा मेरे पास है। तो मेरे बॉस ने पूछा कि यार मुझे डिपार्टमेंट वाइज हेडकाउंट दे दो। मैंने बॉस से कॉस्ट क्वेश्चन नहीं किया कि बॉस किस पर्पज से चाहिए, मैं थोड़ा सा और एफर्ट लगा के दूँ आपको। बॉस से मैंने पूछने की हिम्मत भी नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको समरी क्रिएट करूंगा, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके, और मैं यहां पे डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट निकाल के मैंने दे दिया, ठीक है? क्या अंकुर जी स्क्रीन नहीं आ रही आपको? एक सेकंड। अभी स्क्रीन आ रही है मेरी? अंकुर जी मैं स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, वो शाम के टाइम लग रहा है बैकअप हो रहा है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा मैं समझा देता हूँ कि मेरे पास एक सैलरी का डेटा है जिसमें हमने नेम, हायर डेट, सैलरी, बोनस, ओवरटाइम, सिक डेज, परफॉर्मेंस स्कोर, एनसीटी, एक तरह से डेटा है। तो इस डेटा पे मेरे बॉस ने बोला कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे हेडकाउंट दे दो। मैंने बॉस से ये नहीं पूछा कि बॉस क्यों जरूरत है इसकी आपको, राइट? तो मैं क्या करूंगा कि मैं पिवट में जाऊंगा, पिवट टेबल लगाऊंगा, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा एंड जस्ट ओके पे क्लिक करूंगा।
एक नई सीट के अंदर हमारे पेपर टेबल का विंडो आ जाएगा और इसमें जो है हम कि यहाँ से डिपार्टमेंट को उठाऊंगा और रो लेवल में रख दूंगा एंड नेम को उठाऊंगा और हम इसको वैल्यू में डाल देंगे। ये मेरा हेड काउंट आ गया और मैं उठा के इसको हम बॉस को मेल कर देंगे। यहाँ पे जो रो लेवल दिख रहा है आपको, तो रो लेवल को हम यहाँ पे डिपार्टमेंट से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि बॉस ने जो रिपोर्ट मंगाया था वो मंगाया था कि जो न्यू ईयर है या फिर जो 25 हमारा ये था क्रिसमस थे उस पर उन्होंने डिपार्टमेंट को गिफ्ट देना था उनको, ठीक है, उन्हें हेडकाउंट दिया था। अब उनकी प्रॉब्लम आ गई कि आईटी जो है 17 लोगों की है। अब 17 लोग आईटी डिपार्टमेंट भेजने के लिए आईटी डिपार्टमेंट एज पर डेटा कई सारे सिटीज में है, ठीक है। अब बॉस पे दिक्कत होगी या फिर मुझे दोबारा फोन करेंगे कि यार सिटी का भी दे देते, किस सिटी में, किस किस सिटी है पता नहीं चल रहा है, तो एक कंफ्यूजन पैदा होगा ना। हमारी इंफॉर्मेशन तो गई लेकिन सटीक इंफॉर्मेशन नहीं। अगर मैं पहले पता कर लूं कि बॉस आप किस पर्पज से ले रहे हैं, मैं बॉस भैया गिफ्ट भेज रहे हैं डिपार्टमेंट के सब सारे बंदों को, तो मैं एक एक ना करके डिपार्टमेंट वाइज दे देता हूं, मुझे आसानी दे, क्लियर है। तो ये बात मुझे पता रहेगा, ये बात मुझे पता रहेगा, तो जब मैं पिवट टेबल बनाऊंगा तो पिवट टेबल बनाते समय मैं सिटी को, जो हमारा सिटी है उसको मैं कॉलम लेवल पर रख दूंगा। इससे मुझे अलग अलग सिटी वाइज हेडकाउंट मिल जाएंगे, तो इससे हमें उस पर्टिकुलर सिटी में कितने नोएडा में, नोएडा में चाह मतलब कि मुझे टोटल 13 भेजने हैं नोएडा में, फिर इसमें दिल्ली में, और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, तो मैं सिटी वाइज भेजूंगा अलग अलग डिपार्टमेंट को। मतलब एक तो पैकिंग हो गई एक तो पैकिंग हो गई डिपार्टमेंट के हिसाब से और दूसरी पैकिंग हो गई सिटी के हिसाब से, तो इजली जो है कंट्रीब्यूट हो जाएगा क्या। तो इसे मैंने बोला कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें रिपोर्ट जो बनानी है वो किस पर्पज से बनानी है। अगर मुझे इस चीज का पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से और ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, समझ गए। तो आप लोग क्या कीजिए कि अगर आपके कोई भी पर्सन, मान लीजिए कि कोई भी आपके कोई भी ऐसे मतलब कि टीम मेंबर्स हैं और उनको जो है उनकी जरूरत है कि रिपोर्ट्स की, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए। आप बोलने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। अब बॉस से बोलेंगे, बॉस ने बोला आपको कि यार अंकित मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट दे दे, आप क्यों चाहिए बॉस, तो एक क्रॉस क्वेश्चन होगी ना। बॉस इस तरह से बोले था कि बॉस पता चले कि इंफॉर्मेशन मुझसे लेना चाहता है तो किस पर्पस लेना चाहता है, ठीक है सर। ओके, इसलिए मैंने आपको चीज के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है कि पिवट की, कि हम पिवट कैसे लगाएंगे, ठीक है। पिवट को यूज हम कैसे करेंगे, तो पिवट लगाने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि आप डेटा को समझिए कि आपका डेटा क्या है। अगर आप डेटा को समझ लेते हैं तो दूसरी चीज क्वेश्चन आती है कि पिवट लगाने से पहले हमारा डेटा डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है या नहीं है। अगर डेटा को सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है, समझ गए। तो इस बारे में हमें जानना जरूरी है। तो डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है आपकी डेटा के ऊपर।
अगर आपका डेटा पूरा का पूरा ब्लैंक है, जैसे कि डेटा आपका ब्लैंक आ रहा है, अगर ये डेटा आपका ब्लैंक है, इसका मतलब है कि आपको स्लैब करना पड़ेगा। समझ गए? तो पूरा का पूरा डेटा है तो आपको स्लैब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ना करें तो ये कंट्रोल ए के यहां पे चल जाएगा, इसलिए डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी पड़ता है जब आपकी, हाँ सही बोला, दूसरा कि आपकी हेडिंग होना जरूरी है, ऊपर हेडिंग आपका नहीं रहेगा तो पिवट आपका वर्क नहीं करेगा। इंसान में जाइए, आपके पास 2016 का अगर वर्जन है तो आपको यहां पे रिकमेंडेड पिवट टेबल दिखेगा। रिकमेंडेड पिवट टेबल में आप जाइए, इसमें इसका एक नया फीचर आया है, इससे क्या होता है कि आपके पिवट टेबल के ऊपर वो देखता है और वो रिकमेंड करके देगा कि आपकी जो डेटा है उस पर कितने तरह की पिवट लग सकती है। हाँ, 13 या 16 दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, 13 या 16 में दोनों मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आपका जो पिवट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके जितने भी माने कि तरीके बने हुए हैं उस हिसाब से निकाल सकते। जैसे मैंने पता पड़ा था डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट, देखिए आ गया ना बना बनाए तो ओके करके आप ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए, एक नई स्क्रीन पे आप लोग जाके यहाँ पे दिखा देगा। तो पिवट टेबल कुछ नहीं होता, जो यहाँ हेडिंग होता है इसी को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करना होता है। तो मेन चीज जो होता है वो यहां पे यही होता है कि अरेंज करना, समझ गए? तो पिवट टेबल को अगर आप इस तरह से अरेंज कर लेते हैं तो आगे चल के आपको इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपको ही समझा रहा हूं। अब इसमें जो मेन चीज आती है वो आती है फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने सिटी जो है हमारा, हम लोग उस सिटी को उठा के हमेशा कॉलम में रखते हैं, लेकिन कॉलम में आप तभी रख सकते हैं जब आपके पास डेटा कम हो। अगर आपके पास डेटा ज्यादा हो तो फिर आप कॉलम में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको कहाँ रखेंगे? उसको हम रखेंगे डिपार्टमेंट के नीचे, इस तरह से इसको रख सकते। तो इससे क्या होगा आपका कि आपको इस तरह से आ जाएगा, मतलब कि सौरभ जी आपकी आवाज भी स्लो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझसे बात करें कि आपकी बैकग्राउंड की शोर है। हेलो, नहीं, बेसिकली कंफ्यूजन होती है ना कि वो मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर जनरली। तो ओके, तो डिजाइन में रखने से फायदा क्या होता है कि इस तरह से आपके जो है ना ये हेडिंग आ जाती है, ये जो प्लस और माइनस का निशान दिख रहा है जो कॉरेस्पॉन्ड बोलते हैं, इस पर क्लिक करने से हिडन हो जाता है। तो जब अगर आप इस पर जाओ, एनालाइज पे जाओ, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक प्लस एक माइनस का बटन, कॉरेस्पॉन्ड और स्पेंड का बटन। तो इससे क्या होता है, काफी बड़ा आपके पास डेटा है तो उसको आप छोटा छोटा और छोटा कर सकते हो, इससे जो सामने वाला पर्सन इस रिपोर्ट को देखता है उसमें आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता दूं कि इसमें एक चीज और ये है कि आपको अगर डेटा लिखना है, मतलब सेल्स में जो 13% है, मुझे इनका पता चलना है कि 13% है कौन, समझ गए? तो मुझे अगर इस 13% को मुझे देखना है तो कैसे देखेंगे?
लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है इस पर जस्ट डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही एक नई सीट में आपको डेटा आ जाएगा और इसमें आपके पूरे डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएंगे उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। मैं सेल्स के आगे क्लिक किया था तो सेल्स के आगे ही आया है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने इसके बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो डबल क्लिक करने से आपको इस तरह से आएगा। तो इसका यूज हम लोग डेटा सेपरेशन के लिए भी करते हैं, जैसे कि मेरे पास डेटा होते थे इसको सिटी वाइज या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से मुझे अलग अलग बांटने होते थे, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, तो उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है हमारा कि हमें एक एक करके फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके अपने आप चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज, मैं चाहता हूं कि इस पर ना हो, मैं ऐसा नहीं हो, ऐसा मैंने कि चीजें ना हो, मतलब कि डबल क्लिक करते हैं फैसिलिटी और ना हो, डबल क्लिक करते हैं ना हो, क्लिक करते मतलब कि किसी को ना जाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कर सकते हैं कि मैं राइट क्लिक करूंगा और पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और यही डेटा पे मैं अनेबल शो डिटेल्स को यहाँ से हटा दूंगा एंड ओके कर दूंगा। तो इसमें डबल क्लिक करते ही जो है ना आपको यहाँ पे इस तरह का अलर्ट शो करेगा और आपके डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होगी। एक चीज होगी, दूसरी मैं बता दूं आपको कि डेटा के साथ आपका ये भी सेव होता है। ठीक है, डेटा के साथ आपका ये भी आपको मतलब कि आप मतलब आपके पिवट के अंदर ही डेटा सेव होता है। अभी क्या है कि सीट वन से डेटा है मेरा, अगर मैं सीट वन को डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पिवट में आपको, समझे, रिफ्रेश नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो इसका एक और चीज हम लोग करते थे कि हमारे पास काफी लार्ज डेटा हुआ करते थे, 200-300 एमबी की डेटा होती थी और मैं किसी को मेल नहीं कर पाते थे, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते थे, समझ गए। तो उससे बेनिफिट क्या होता था, उससे बेनिफिट होता था कि मैं एज ए पिवट बना के और भेज देता था, वो सबसे टोटल है, मैंने कि मैंने जो सिर्फ इतना पार्ट भेज दिया, बाकी कुछ नहीं भेजा, सिर्फ इतना पार्ट कॉपी पेस्ट करके भेज दिया एज ए पिवट फॉर्म में, वो उसके पास इस पर डबल क्लिक किया और उसके पास पूरा का पूरा डेटा आ गया, समझ गए। तो एज ए पिवट व्यू में हम इसका इस्तेमाल करके देते हैं। और दूसरा एक चीज और कि जब हम 2013 में वर्क करते सॉरी 2003 में जब वर्क करते थे तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हमारे पास 65,000 से ज्यादा का डेटा स्टोर नहीं होता था, समझ गए। तो हम लोग डेटा को पीडीएफ में इसमें रखते थे, एमएस एक्सेस में रखते थे, और जब हम पिवट जो है एमएस एक्सेस से पैच करते थे और फिर उस फाइल को हम भेजते थे, तो उसको ऐसा तो नहीं कि पूरा 65,000 डेटा स्टोर कर पाता था, लेकिन हाँ उसके पास डेटा पूरा होता था, जिस डिपार्टमेंट जिसका डेटा चाहिए डबल क्लिक करके निकाल सकता था फिल्टर के हिसाब से, समझिए ना। जैसे कि मान भाई हाँ वो तो टोटल नहीं रखते, वो तो मैं अकाउंट ऑफ इसके जगह पे मैं सैलरी रख देता हूँ, यहाँ पे मैं सैलरी उठा के रख दिया तो टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल का जगह एवरेज चाहिए, कोई और कैलकुलेशन चाहिए तो इस हाँ तो बोनस भी दे दीजिए, ओवर टाइम भी दे दीजिए, ये सब दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जितना आपके पास एक दिक्कत रखिए बताता हूँ आपको, मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ। अभी जो है अगर आपके पास मतलब कि कॉलम में कोई वैल्यू कोई फिल नहीं है तो आपको इस तरह से रिपोर्ट दिखेगी, दिख रहा है आपको रिपोर्ट। लेकिन वैल्यू में आप बहुत ज्यादा पार्ट रख देते हैं और फिर आप किसी
किसी फील्ड को अगर आप रखते हैं कि हमें कॉलम में, तो रिपोर्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब कि दिल्ली और दिल्ली का बोनस, दिल्ली का ओवरटाइम इस तरह से दिखेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि चलो दो तीन है तो चलो समझ में आ जाता है, बट जहां पे ज्यादा पहुंचती है तो वहां पे दिक्कत होता है। तो उस केस में ये जो वैल्यू का जो दिख रहा पार्ट, इस वैल्यू को पार्ट को उठा के मैं डिपार्टमेंट के नीचे रो में रख दूंगा, तो कुछ इस तरह दिखेगा कि आईटी सम ऑफ द सैलरी इतना है, सम ऑफ द यहां है, इस तरह से कंट्रीब्यूशन दिखेगा हमारा। समझ गए? तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको। तो आप जैसे से रखिएगा आपको अच्छे से पेपर बनता चला जाएगा, थोड़ा सा आरएमडी रिसर्च कीजिएगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगी। हाँ, फिल्टर में आपको मैं समझाता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा छोटा डेटा कर देता हूं। जैसे कि फिल्टर है, शॉर्टिंग है, बहुत सारी चीज है। जैसे मान लीजिए ये जो तीन मेरा वेंडर है, मैं इसको नहीं देखना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं हटा सकता हूं। एक तो यहां से मैं हटा सकता हूं, अनचेक कर दिया, अब ये रिपोर्ट में ये नहीं आए। दूसरा कि मैं वन बाय वन चेक करना चाहता हूं रिपोर्ट को, तो मैं यहां से भी लगा सकता हूं कि मैंने यहां पे दिल्ली ले लिया, तो यहां पे सिर्फ दिल्ली का आएगा, अब रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली का आएगा। तो एक तो कंडीशन आपके पास ये होती है कि जिस कॉलम को शो करना चाहते हैं उसी कॉलम में आप जो है फिल्टर लगाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दूसरा है कि मेरा कॉलम कोई और है, मैं किसी और फिल्टर के बिहाफ पे किसी और का डेटा देखना है, जिसमें सिटी के बिहाफ पे मुझे डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, तो हम सिटी को उठा कर फिल्टर में रख देंगे। समझ गए? तो इस तरह से आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। तो देखिए, आप नॉर्मल जैसे डेटा की फॉर्मेटिंग करते हो ऐसे यहां भी आप कर सकते हो। समझ गए? लेकिन उसमें क्या होता है कि पिवट आपका अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ, जैसे पिवट आपका मान लो कि बड़ा छोटा कम हुआ, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में आप जो है इसके लिए यहां पे डिजाइन में जाइए, और डिजाइन में आपके पास बने बनाए पीएफ का फॉर्मेट है जो कि आप देख सकते हो। समझे? तो डिजाइन में कि यहां की जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वो फॉर्मेटिंग आपका फिक्स रहेगा, आपकी फॉर्मेटिंग वो इंक्रीज डिक्रीज होने पे नहीं चेंज हो। राइट? अब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात आती है, जैसे मैंने सिटी को मैं नीचे ही रख दिया, तो इस तरह से आया, एक ही कॉलम में आया, मैं चाहता हूं दोनों अलग अलग कॉलम में आए, तो डिजाइन में आपके पास यहीं पे जो होता है वो होता है लेआउट। लेआउट में आप इसको टेबुलर फॉर्म में कर दोगे तो ये अलग अलग इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत होती है कि जो टोटल दिख रहा है, मैं चाहता हूं टोटल ना दिखे, तो मैं राइट क्लिक करके इसको सब टोटल पे क्लिक कर दूं तो ये नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करना कि ऐसे आईटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कल के डेट पे अगर मैं इसको कहीं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वहां पे दिक्कत देगा ना। तो उस केस में क्या करेगा? तो उस केस में जो है इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे
यहां डिजाइन में आपके पास है रिपीट ऑल आइटम लेवल, ठीक है, रिपीट ऑल आइटम लेवल पे अगर आप जाएंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। और साथ में मान लो कि अगर एक सेपरेशन के लिए ब्लैंक रो चाहिए तो ब्लैंक रो पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट ब्लैंक रो, हटाना चाहते हैं तो उसको यहां से डिलीट रिमूव ब्लैंक रो कर दीजिए, और यहां से अगर चाहते हैं कि रिपीट ना हो तो यहां से नॉट रिपीट कर दीजिए, रिपीट भी नहीं होगा। पर रिपीट ना करके मैं यहां पे मर्ज करना चाहता हूं तो मैं मर्ज भी कर सकता हूं, राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस एंड मर्ज एंड सेंटर एंड ओके, ये आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का मैं पिवट्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको समझाई, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो जी बताइए। हाँ, तो पिवट एक दिन में नहीं सर, पिवट मेरे कोर्स में 5 घंटे का पिवट है, 5 घंटे की चीजें मैं 1 घंटा भी नहीं करा सकता ना, 1 बाय 1 ही पढ़ाऊंगा ना। हाँ, सारे चीज होंगे इसमें। हाँ तो अभी, हाँ तो पिवट की तो पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है ना, फिर दूसरी पिवट आएगी कैलकुलेशन से, आपने तो पढ़ाया ना पिवट, आपने देखा नहीं है किस तरह से मैं पढ़ाया आपको पिवट अंकुर जी, 5 क्लासेज है, 5 घंटे है पिवट के लिए, से सबसे बड़ा टॉपिक है पिवट हमारे कोर्स का, ठीक है। हाँ, तो आज जो था वो समराइजेशन था कि आप डेटा को कैसे समराइज करोगे, और उसकी जो चीजें थी वो आपको मैंने बताया था, ठीक है, अगली क्लास में मैं दिसिए पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले और भी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो बता दीजिएगा अगर आप कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो सौरभ जी के साथ, तो आप सौरभ जी के साथ आप दोबारा रिज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर सौरभ जी अगर चाहते हैं स्टार्ट करना तो यही टाइमिंग में मिल जाएगा आराम से, 3 से 4 या 5 से 6 या 6 से 7 में दे दूंगा, और आप ठीक है सर, थैंक यू।